मोदी हटाओ देश बचाओ, ये वो नारा है जिसे दिल्ली वासियों ने पोस्टर और बैनर की शक्ल में दिल्ली के हर चौक और चौराहे पर लगा दिया। मोदी सरकार अपने विरुद्ध लगे इस पोस्टर से बौखला गई और आनन फानन में लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर मामले में मोदी सरकार ने अब तक 100 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया है, साथ ही अब तक दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 100 FIR दर्ज की है और 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है इस मामले में। सवाल ये उठता है कि मोदी भगाओ देश बचाओ का नारा गलत कैसे है? क्या मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में देश का सत्यानाश नहीं कर दिया? क्या मोदी सरकार में महंगाई चरम पर नहीं है? क्या मोदी सरकार में बेरोजगारी पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ रही है? क्या मोदी सरकार में देश के युवा बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या नहीं कर रहे हैं? क्या किसान गरीबी से तंग आकर खुदकुशी नहीं कर रहे हैं? क्या मोदी सरकार में भारत भूखमरी में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से आगे नहीं निकल गया है? क्या मोदी सरकार में 19 करोड़ लोग हर रात में भूखे पेट सोने पर मजबूर नहीं हैं? क्या मोदी सरकार में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अत्याचार के मामले नहीं बढ़ रहे हैं? क्या मोदी सरकार में देश की संपत्ति की लूट नहीं हो रही है? क्या मोदी सरकार में